सभी का एक बार फिर से स्वागत है YouTube चैनल क्रिएटिव कपिल पर। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का दूसरा क्वेश्चन, जिसमें दिया हुआ है हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ। एक त्रिभुज बनानी है जिसमें हमारे पास दो भुजाएं बराबर हो, अर्थात समद्विबाहु। समद्विबाहु दो भुजाएं कैसी हो, सम हो, अर्थात बराबर हो। तो ये तीसरी भुजा जो है ये बराबर नहीं होगी। तो इसमें क्या क्या चीज दी हुई है हमारे पास, एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाओ जिसका आधार ये भी दिया हुआ है और एक भुजा सी दी हुई है। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, एक त्रिभुज बनानी है जिसमें हमारे पास एक भुजा आधार दिया हुआ है ए बी और एक भुजा सी दी हुई है। अगर हमारे पास आधार आ गया है उसके अलावा हमारे पास एक भुजा सी दी हुई है तो इसका मतलब ये भुजा इस सी के बराबर ये वाली भुजा है। अगर ये वाली भुजा सी के बराबर है तो नेचुरल सी बात है दूसरी साइड जो दूसरी भुजा है वो भी हमारे सी के ही बराबर होगी। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारे पास जरूरी है कि इंस्ट्रूमेंट्स का उपयोग करना है। हाथ से कोई भी लाइन नहीं लगेगी, फ्री हैंड कोई भी लाइन नहीं लगानी। ये हमारे पास आधार ए बी, जैसे कि आप देख रहे होंगे मैं डिस्टेंस क्रिएट किया हूं, बिंदु लगा रहा हूं ताकि आपका इसमें मर्ज नहीं करना है, साफ दिखना चाहिए हमारे पास बिंदु बी कहां है और साफ दिखना चाहिए बिंदु ए कहां है। तो हमारे पास ये भुजा दी हुई है, अब जो दूसरी भुजा लेंगे वो उसका साइज या तो इससे छोटा होना चाहिए या इससे बड़ा होना चाहिए ताकि अगर हमारे पास ये समद्विबाहु त्रिभुज बने, अगर दोनों की भुजा के बराबर लंबाई होगी तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो हमारे पास समबाहु त्रिभुज बनेगी। तो हमने उस चीज को अवॉइड करना है, इन दूसरी जो भुजा लेनी है वो या तो छोटी ले या बड़ी ले, तो मैं इसको थोड़ा छोटा लेगा सी भुजा। सी के बराबर प्रकार को ली, क्या ये ए बी के बराबर है, नहीं है, इससे छोटी है। हम चाहें तो इससे थोड़ी और छोटी भी कर सकते हैं, अन्यथा इससे बड़ी भी इसको कर सकते हैं। अगर बड़ी होगी तब भी हमारा क्वेश्चन सही आएगा। तो हमने क्या करना है, सी भुजा के बराबर प्रकार खोलनी है, बिंदु ए पे प्रकार रखना है, चाप लगा लीजिए, बिंदु बी पे भी उतना ही प्रकार खोल के चाप लगा देनी है। ये आपस में जहां नहीं कट रहे हैं वहां पे मिलाना जरूरी है। तो ये हमारे पास जहां आपस में क्रॉस कर रहे हैं आपको अच्छे से नजर आए, बिंदु को मैंने डार्क कर दिया, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया सी बिंदु, ए बी के बाद सी बिंदु। अब इस सी बिंदु को हमने मिला देना है ए के साथ और सी बिंदु को ही मिला देना है बिंदु पी के साथ। ये हमारे पास आंसर है। आंसर क्या है हमारे पास, एक त्रिभुज बनाना, अर्थात ये त्रिभुज हमारा आंसर होगी। तो कहने का मतलब है कि ये तीनों भुजाएं हमारे पास आंसर की हैं, तभी त्रिभुज बनेगी। तो ये हमारे पास ये भी पक्की होनी चाहिए। तो ये एक त्रिभुज बनी हुई है जिसमें हमारे पास एक भुजा हमारे पास पहले से दी हुई थी ए बी रेखा और एक हमारे पास दूसरी भुजा दी हुई थी सी, पर इस सी के बराबर ही हमने दूसरी साइड से भी भुजा ली क्योंकि समद्विबाहु में दो भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं दी हुई थी हमारे पास। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जब जब मेरे नए वीडियोस अपलोड हो तो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।